So, good afternoon, everyone. Now, today I am going to discuss about success. Should I speak in English or Urdu? I don't know. Both languages. Okay. So, what do you mean by success? Anyone? Success and kamyabi. Okay, theek hai. There are multiple definitions of the success. बहुत सारे definitions हैं. हर field में जाओगे वहाँ पे success का definition अलग होता है. किसी को success ये होता है कि उसका नाम हो जाए, किसी को success ये होता है कि उसका magazine में नाम आ जाए, किसी को success ये होता है कि उसको leadership मिल जाए, किसी को ये success होता है कि कामयाब हो जाए, किसी को ये success होता है कि उसको अच्छा husband मिल जाए. किसी को ये सक्सेस होता है किसी के सामने कि उसके पास मर्सिडीज आ जाए, कोई गाड़ी आ जाए. ये हर एक की डेफिनेशन अलग अलग रहती है. सो अभी मुझे नहीं मालूम कि आपके दिमाग में क्या डेफिनेशन चल रही है, बट एक तो श्योर है कि सक्सेस इज नॉट एन एक्सीडेंट. सक्सेस एक्सीडेंट नहीं होता. सक्सेस कोई मिस्ट्री नहीं होती. सक्सेस के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है. बिना किए के सक्सेस मिल ही नहीं सकता. कामयाबी अगर तुमको चाहिए तो कुछ करना पड़ता है, मरना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, एफर्ट्स करना पड़ता है, नॉलेज हासिल करना पड़ता है, स्किल डेवलप करना पड़ता है, तब कहीं जाके सक्सेस मिलता है. आज तक हमने देखा है कि फेल्योर की स्टोरी एक भी नहीं सुनी. सुनी तुमने कि ये फेल हो गया, बड़ा आदमी ये फेल हो गया? ऐसा नहीं सुनते हम. बड़ा आदमी वो सक्सेस हो गया यही सुनते हैं. ऐसा क्यों होता है कि फेल्योर की स्टोरी हम नहीं सुनते और सक्सेस की स्टोरी सुनते हैं? तो आज मैं तुमको ये पहले बता दूंगा कि फेल्योर के कॉजेस क्या हैं, क्योंकि फेल्योर और सक्सेस दोनों भी डिफरेंट नहीं हैं. दोनों भी, बोथ आर नॉट डिफरेंट एट ऑल. इट इज़ फेल्योर इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस. फेल्योर ये सक्सेस का एक पार्ट है, हमने उसको सेपरेट कर लिया है. आज तक जितने लोग कामयाब हो गए वो पहले फेल हो गए, उसके बाद में सक्सेसफुल हो गए. थॉमस एडिसन को देखेंगे कि वो थर्ड ईयर यानी तीसरी यत्ता तीसरी उसके बाद में स्कूल गया ही नहीं, मगर वो कामयाब हो गया. ये बिल गेट ने क्या कहा मालूम है? कि मेरा एक क्लासमेट था, वो हमेशा पास होता था और उसने बहुत अच्छे मार्क्स कमाए, और वो इंजीनियर हो गया, टॉप क्लास इंजीनियर हो गया. अभी वो माइक्रोसॉफ्ट में इंजीनियर है, मगर मैं उसके इतने मार्क्स नहीं लिया, मगर वो कंपनी मेरी है. इसका मतलब क्या होता है मालूम है? कि जो हमें मार्क्स मिलते हैं वो कुछ अहमियत नहीं रखते हैं. इट इज़ योर फेट इज़ नॉट डिपेंड अपॉन योर मार्क्स व्हाट यू गेट. समझे ना? तो हमें एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए, हमको नज़रिया अपना बदलना चाहिए. अगर नज़रिया बदल दोगे तो नज़ारे बदल जाएंगे. तो हमें नज़रिया बदलना चाहिए, और जब नज़रिया बदलता है तब हम कुछ कर सकते हैं, तब हमको सक्सेस मिल सकता है. एक्चुअली सक्सेस क्या होता है? बहुत सारे लोग हैं ना, अपना सक्सेस ये डेस्टिनी पे छोड़ जाते हैं, यानी किस्मत के ऊपर छोड़ देते हैं. जो होगा वो देखा जाएगा, किस्मत के ऊपर. नथिंग लाइक किस्मत, यानी डेस्टिनी पे तुम्हारा सक्सेस डिपेंड नहीं होता है. सक्सेस इज डिपेंड अपॉन योर चॉइसेस दैट यू हैव मेड इन द पास्ट. जो तुमने चॉइसेस किए थे पास्ट में उसके ऊपर सक्सेस डिपेंड होता है. इट इज़ श्योर कि आज जो कुछ तुम हो इट इज़ बिकॉज ऑफ यू हैव डन चॉइस इन द पास्ट, उसकी वजह से आज तुम हो. इसका मतलब ये भी होता है कि आज जो हम चूज़ करेंगे उसका फल हमें बाद में मिलने वाला है. सो अगर तुमको कुछ बनना है तो आज कुछ तो सिलेक्ट करो, एक गोल, फिर उसके बाद तुम कुछ बन सकते हो, वरना इट इज़ नॉट पॉसिबल. आज अगर हम जैसे थे और हमारे ख्यालात जैसे थे वैसे ही रहेंगे तो हम आगे चलकर वैसे ही रहेंगे जैसे आज हैं. इफ वी स्टार्ट रीथिंकिंग और इफ वी चेंज अवर एटीट्यूड देन श्योरली वी विल बी सक्सेसफुल. श्योरली देर विल बी चेंज टोटली इन अवर लाइफ. ये पॉसिबल हो सकता है तभी इफ वी चेंज अवर थॉट्स टूडे. द बेसिक फाउंडेशन ऑफ अ सक्सेस इज थॉट. And basic foundation of everything that happens with you is thought.
The every secret of success and anything that happens to you is thought. So thought is a foundation. आज हमको ये चाहिए सोचने के लिए कि आज हमारे thoughts क्या चल रहे हैं. ये किसी को time ही नहीं है कि मैं क्या सोच रहा हूँ. बस सोच रहा हूँ या नहीं सोच रहा हूँ ये भी time नहीं है. बस सोचते चले जाते हैं. वो चीज़ें हम सोचते हैं आज कि जो fruitful नहीं रहती है, हमारे life के लिए भी fruitful नहीं रहती है. We are wasting our time in doing that. So तुम्हारे डेस्टिनी के ऊपर कुछ तुम्हारा सक्सेस नहीं रहता है. चॉइसेस जो तुम पॉजिटिव करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा. अगर तुम चॉइसेस नेगेटिव करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा. इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू चूज. अगर तुमने चॉइस पॉजिटिव कर ली तो इस नेगेटिव तो रिजल्ट नहीं आएगा. जैसा कि मैं ये कहता हूँ कि अगर हमने एक बॉल लिया हाथ में और हमने बॉल मारा दीवार पर, वो बॉल था वाइट, तो जो रिटर्न आने वाला बॉल है ना, वो ब्लैक नहीं हो सकता. शैल इट बी ब्लैक? बिल्कुल नहीं हो सकता. जो बॉल तुम थ्रो करोगे वही बॉल तुम तक वापस आएगा. जो अगर तुमने बॉल ब्लैक भेजा तो बॉल ब्लैक ही वापस आना है तुम्हारे पास. अगर तुमने येलो भेजा तो येलो आना है. यू आर गेटिंग माई पॉइंट? सो जो हम चूज़ करेंगे, जो थॉट भी हम चूज़ करेंगे, वैसा रिजल्ट आना है. अगर तुमने इफ़ यू पुट और अगर तुमने एक लकड़ी का एक सिरा उठा लिया तो इसका मतलब दूसरा सिरा उठना है. अगर हमने लकड़ी का एक सिरा उठा लिया तो दूसरा सिरा उठना है. यानी जो भी तुम चूज़ करोगे उसका कॉन्सिक्वेंस होना ही होना है. अच्छा या बुरा डिपेंड अपॉन जो तुम चूज़ करोगे, उसके ऊपर डिपेंड रहता है. और ये सक्सेस मिलता है स्पेशली कंसिस्टेंसी से. इट इज़ नॉट अ मिस्ट्री बट इट इज़ कंसिस्टेंसी. एंड फेल्योर ऑकर, फेल्योर जो कुछ होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ मिस्टेक्स विच आर डन रिपीटेडली. एक मिस्टेक से आदमी सुधरना चाहिए, मगर उस मिस्टेक से आदमी नहीं सुधरता है, बार बार वही मिस्टेक करता है, तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता. हर चीज़ है ना, ठोकर लगने के बाद टूट जाती है, मगर इंसान जो सुधरता है ठोकर लगने के बाद. हर चीज़, हाँ, इफ़ यू लाइक यू कैन क्लैप. उसमें कंजूसी नहीं. अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि गॉड एक की मदद करता है दूसरे की नहीं करता? ऐसा क्यों होता है? सब हम लोग, यानी तुम लोग क्लासमेट हो और हमारे भी क्लासमेट थे, कुछ बहुत बड़े बन गया और मैं इधर के इधर रह गया, ऐसा हो सकता है? या कोई तुम्हारे क्लासमेट्स में से कोई बहुत बड़ा बन जाएगा और फिर कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाएंगे, ऐसा क्यों होता है? क्या गॉड अनजस्ट है? नहीं. इट इज़ बिकॉज ऑफ आवर चॉइसेस. इट इज़ बिकॉज व्हाट यू चूज. इट इज़ बिकॉज ऑफ योर थॉट्स. इट इज़ बिकॉज ऑफ योर एटीट्यूड. इट इज़ बिकॉज ऑफ योर नॉलेज. इट इज़ बिकॉज ऑफ योर स्किल्स दैट यू डेवलप. उसी की वजह से तुम्हारे साथ जो डेस्टिनी हम कहते हैं ना, वो डेस्टिनी हमारे ऊपर डिपेंड रहती है. यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी. यू आर द मोल्डर ऑफ योर कैरेक्टर. नो वन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है तुम्हारे डेस्टिनी के लिए. यू आर रिस्पॉन्सिबल. टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे क्या करना है. पीपल जो सक्सेसफुल रहते हैं ना, सक्सेसफुल पीपल दे डू व्हाट द फेलियर पीपल दे डोंट लाइक टू डू इट. सक्सेसफुल पीपल वो काम करते हैं जो फेलियर पसंद नहीं करते करना, मगर सक्सेसफुल पीपल भी वो काम पसंद नहीं करते करना जो फेलियर नहीं करते, फिर भी वो कैसे भी करते हैं. नहीं समझा? सक्सेसफुल पीपल दे डोंट वॉन्ट टू डू व्हाट द फेल्यूर पीपल आर डूइंग, बट सक्सेसफुल पीपल सम हाउ दे डू व्हाट द फेल्यूर पीपल आर नॉट डूइंग, हैंस दे बिकम सक्सेसफुल. नाउ यू गॉट इट? या सो हमको ऐसा लगता है कि सक्सेसफुल पीपल, हमको क्या लगता है, क्विक फिक्स सोल्यूशन यानी शॉर्टकट सोल्यूशन सबके लिए. आज हमने कुछ कर दिया और कल के लिए उसका रिजल्ट चाहिए, ऐसा तो होता नहीं है. एंड ऑलवेज वी शुड नॉट स्ट्राइव फॉर परफेक्शन. एक्सलेंस ठीक है, एक्सल कोई आज तक दुनिया में परफेक्ट नहीं हुआ है. और जो कुछ हमारे साथ फेल्योर्स आते हैं, जो सेटबैक आता है, उसको हम पॉजिटिव लेना चाहिए. उसको हम लेके डिप्रेस नहीं होना चाहिए, बिकॉज सेटबैक आर ड्राइविंग फोर्स टू गो अहेड. सेटबैक्स आर ड्राइविंग फोर्स टू गो अहेड. एक ऐसा फोर्स है जो तुमको आगे जाने में मदद करता है. जब हम उसके ऊपर ध्यान देंगे कि हम फेल क्यों हुए
और उससे और एक चीज़ आती है कि हमारे अंदर ह्यूमिलिटी पैदा हो जाती है, वी बिकम हम्बल, एक ह्यूमिलिटी पैदा हो जाती है और ये ड्राइविंग फोर्स रहता है। ड्रीम्स आर सीडलिंग ऑफ रियलिटी, जो कुछ हम ड्रीम करते हैं ना, कोई चीज़ जो होती है ना बिना ड्रीम के नहीं हो सकती है। विदाउट इमेजिनेशन यू कैनॉट डू एनीथिंग, विदाउट थॉट यू कैनॉट डू एनीथिंग इन योर लाइफ। कुछ भी नहीं कर सकते हम विदाउट इमेजिनेशन और विदाउट थॉट एंड विदाउट प्लानिंग, और अगर हम ऐसा करेंगे तो श्योरली फेल्यूर से हमारा सामना हो जाएगा। अगर हमको सक्सेसफुल बनना है तो पहला तो एक आइडिया आती है, एक थॉट आता है। ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे थॉट्स आते हैं हमारे दिमाग में मगर हम उस थॉट पे काम नहीं करते, इसकी वजह से वो थॉट रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होता है। अगर हमारे ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहिए तो वो थॉट पे काम करना चाहिए। अब काम भी कैसा करना चाहिए, फुल डिटर्मिनेशन से काम करना चाहिए। अब मैं आगे जाके बता दूंगा कि फुल डिटर्मिनेशन क्या होता है। एवरी फेल्योर ब्रिंग्स विथ इक्विवेलेंट सक्सेस, यानी जो कुछ हमारे साथ नाकामी होती है, हम जो नाकाम होते हैं, इसका मतलब यह होता है कि हम आगे चल के कामयाब हो जाएंगे। इफ़ आवर एटीट्यूड इज़ पॉजिटिव, अगर हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तभी ये पॉसिबल है। अगर हमारा निगेटिव एटीट्यूड रहेगा तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हम आगे जाके कामयाब हो सकते हैं। जो हमने लिमिटेशन लगाया ना, हम सक्सेसफुल क्यों नहीं होते, क्योंकि हमने एक डिसाइड कर लिया है कि इतना मेरा लिमिट है, इस लिमिट के आगे मैं नहीं जा सकता। ये हमने अपना बिलीव बना लिया है, आई कैन नॉट एंड इट इज़ इम्पॉसिबल। देर आर टू वीकनेस इन अ पर्सन। एक वीकनेस क्या होता है, एक उसने याद कर लिया होता है एक शब्द इम्पॉसिबल, और वो इम्पॉसिबल को लेके बैठता है कि कोई भी अगर चीज़ किसी ने करने बोला या उसके मन में भी बात आ गई कि ये करना है, तो पहले वो सोचता है कि ये इम्पॉसिबल है, ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे अंदर पोटेंशियल नहीं है, ये कैपेसिटी नहीं है, ये मेरे अंदर काबिलियत नहीं है। ये उसके अंदर है, हम दूसरे के अंदर की काबिलियत देख सकते हैं पर हमारे अंदर जो काबिलियत छुपी होती है, दैट द हिडन पोटेंशियल दैट इज़ प्रेजेंट इन अस वी डोंट फाइंड, और उसकी वजह से हम फेल हो जाते हैं। ये वीकनेस एक हो गया। दूसरा वीकनेस ये होता है कि हर चीज़ को हम उस नज़रिए से देखते हैं जो अपना एक्सपीरियंस है। वी सी एवरी थिंग विथ आवर एटीट्यूड एंड आवर एक्सपीरियंस, और जब हम अपने एटीट्यूड और एक्सपीरियंस से देखने जाते हैं तब वो चीज़ वैसे दिखती है जैसा तुम देखना चाहते हो, हालांकि हकीकत अलग रहती है पर वो चीज़ वैसे दिखती है जैसा तुम देखना चाहते हो। और कभी भी देखो, जब हम किसी बारे में एक हमारा बिलीफ बन जाता है और उस बिलीफ पे हम अड़े रहते हैं, तब यह हमें वही चीज़ दिखती है कि जो हम देखना चाहते हैं। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, कहीं आप डार्कनेस में जा रहे हो, वहाँ पे एक रस्सी है मगर आपका दिल बोल रहा है नहीं यार यहाँ पे क्या है, सांप है, तो जब तक जाके आप कन्फर्म ना कर लो तब तक वही दिखता है आपको कि सांप है, वो हिल रहा है। यू आर गेटिंग मीन्स वेन एवर यू सी विथ योर एटीट्यूड एंड योर एक्सपीरियंस, तो वो चीज़ हालांकि वहाँ पे नहीं रहती है मगर वो तुमको दिखाई देती है कि वो वैसी है, तो उसकी वजह से फेल्योर हो जाता है। और जो हमने लिमिटेशन बना लिया है, द वी आर लिविंग इन द बैंडविड्थ ऑफ द परसेप्शन के दीज आर माई लिमिटेशंस एंड आई कैनॉट गो बियॉन्ड दिस लिमिटेशन एंड आई कैनॉट ब्रेक दिस लिमिटेशंस एंड सो द फेल्योर कम्स। ओके, अब नो वन हैज़ बीन डिफीटेड, कोई तुमको हरा नहीं सकता अनलेस यू फील डिफीटेड। जब तक तुम ये एक्सेप्ट नहीं करो कि मैं हार गया हूँ, तब तक तुमको कोई दुनिया में हरा नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। कोई कितना बड़ा भी पहलवान रहे वो तुमको हरा नहीं सकता जब तक तुम ये कंसिडर नहीं करो कि मैं फेल हो गया हूँ, यानी मैं आई एम डिफीटेड, मैं शिकस्त खा गया हूँ, यानी तुम अपना हिम्मत हार जाओगे तब तुमको कोई भी हरा सकता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फेल्यूर इज़ हैबिट ऑफ क्विटिंग। जब हम क्विटिंग यानी छोड़ देते हैं ना कुछ भी, पहले तो बहुत एंथुजियास्टिकली करते हैं कुछ काम करना चाहिए तो, और फिर उसके बाद हम कंटाल जाते हैं और उसको छोड़ देते हैं। और वो कब छोड़ते हैं, जबकि फेल्योर इज़ टू स्टेप अहेड, वहाँ जाके हम छोड़ देते हैं। फेल्योर इज़ टू स्टेप अहेड। एक आदमी था जिसने, वो माइन में काम करता था और उसने एक माइन के लिए जगह खरीदी और उसने बहुत खोदा, डीप खोदा, और खोदने के बाद में उसको कहीं पे भी गोल्ड नहीं मिला। गोल्ड माइन था, कहीं पे भी गोल्ड नहीं मिला। बहुत पैसा खर्चा किया, बहुत टन मिट्टी निकाली और उसके बाद में उसको कुछ सफलता नहीं मिली।
और फिर उसने सोचा कि अभी इतना मैंने कर दिया है और कुछ नहीं मिल रहा है, अभी और खोदूंगा तो और लॉस है। तो उसने क्या किया, उसको सेल आउट किया। अब जब उसने सेल आउट किया, दूसरे ने परचेस किया, जब उस दूसरे ने परचेस किया तो उसने क्या ऐसा किया कि उसको गोल्ड मिला, उसने ऐसा किया कि उसने उस फील्ड का एक्सपर्ट बुलाया। वो परचेस करने से पहले उसने उस फील्ड का एक्सपर्ट बुलाया, एक्सपर्ट से मालूम कर लिया कि यहाँ गोल्ड है कि नहीं है। तो उस एक्सपर्ट ने उसको बता दिया कि यहाँ पे गोल्ड है, जस्ट 2 फीट्स अवे, 2 फीट्स डीप गोल्ड है। तो उसने 2 फीट डीप बोलने के बाद उसने ले लिया और वो ज़मीन ख़रीदा, और जब उसने 2 फीट खोदा तो पूरा गोल्ड उसको मिल गया। इसका मतलब ये होता है कि जब हम सिर्फ अपना ही दिमाग लगाते हैं तब भी फेल्योर होता है। हमको चाहिए कि जो एक्सपर्ट है उस फील्ड में उसका उसकी राय लेना चाहिए और उसके बाद हमको कदम बढ़ाना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि नॉलेज होना चाहिए, तुम्हारे अंदर स्किल होना चाहिए, तुम्हारे अंदर एटीट्यूड होना चाहिए। सिर्फ नॉलेज रहेगा और तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, स्किल होना चाहिए। एक एग्ज़ाम्पल और देता हूँ मैं तुमको। एक आदमी था जो सुबह से लेकर शाम तक लकड़ी काट रहा था। अब लकड़ी काट रहा था, बहुत पसीना पसीना हो गया, और एक लकड़ी का टुकड़ा था जो काट रहा था सुबह से शाम तक और कटी नहीं गई उससे। ओके, अब दूसरा आदमी वहाँ पे आया और बोला, क्या कर रहा है भाई? तो बोला, मैं लकड़ी काट रहा हूँ। तो ठीक है, बोला 5 मिनट मेरे को दे दे, मैं तेरे को बताता हूँ लकड़ी काटने का तरीका। ओके, तो उसने क्या किया, वो जो सॉ थी उसको ले लिया और उसको शार्प किया, और फिर उसने काटा, 5 मिनट में लकड़ी कट गई। इसका मतलब क्या होता है कि इसको कहते हैं, एक फार्मूला है, शार्पन योर सॉ, शार्पन योर सॉ, यानी जो कुछ तुम कर रहे हो पहले उसमें स्किल हासिल कर लो और फिर तुम उसमें कदम बढ़ाओ, तो फिर तुमको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। तुमको ज़्यादा एफर्ट अगर नहीं चाहिए तो पहला स्किल डेवलप करो, फर्स्ट यू शार्पन योर सॉ एंड देन गो अहेड, देन प्रोसीड। अच्छा, व्हाई डू पीपल फेल, ये मैंने कुछ बातें बताया, फिर और कुछ उसमें एडिशन करता हूँ मैं। व्हाई डू पीपल फेल, पीपल फेल फ्रॉम विद इन। विद इन यानी क्या, जब आदमी अंदर से ही हार जाए तो वो सक्सेसफुल कैसे हो सकता है? जब ये फील करना लगे वो कि मैं अभी तो इसमें जीतूंगा नहीं, इसमें मेरे को सक्सेस मिलेगा ही नहीं, तो उसको कौन बचा सकता है? जब हम अंदर से हार जाते हैं, यानी हम करेज लूज़ कर देते हैं, तब हमें कोई भी बचा नहीं सकता। इफ़ द एनिमी इज़ विद इन, हु विल सेव यू? तुम्हारा एनिमी तुम ही हो और दूसरा कोई एनिमी है ही नहीं। क्योंकि एक और एक याद आ गया मेरे को कि एक कंपनी थी और उसमें कुछ लोग थे, एक एम्प्लॉयर था और बाकी के एम्प्लॉई थे, और उसने क्या कहा, उनका प्रमोशन नहीं हो रहा था, वो जो लोग थे काम करने वाले उनका प्रमोशन नहीं हो रहा था। तो एक दिन वो मैनेजर ने सबके यहाँ पे टेबल पे एक चिट्ठी लिख दिया, चिट्ठी लिख के रख दिया। तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि जो तुम्हारा प्रमोशन रुका रहा है वो आज मर गया। एक तो सब लोग खुश हो गए, सब लोग खुश हो गए कि इसकी वजह से हमारा प्रमोशन रुक गया था और हमें ये भी मालूम नहीं कि ये प्रमोशन इसने रुकाया था, तो सब खुश हो गए। पर वहाँ पे एक डायरेक्शन लिखा था कि यहाँ से जाओ सीधा और उसका जो कॉफिन है वो इस रूम में रखा हुआ है, वहाँ पे जाके देख लो। और वो सभी एक एक करके गए वहाँ पे और देखा, तो वहाँ पे कॉफिन तो रखा हुआ था और कॉफिन के ऊपर एक आईना था, और आईने में देखे तो वो उनकी ही सूरत नज़र आई। तो इसका मतलब क्या होता है कि सबसे बड़ा दुश्मन जो तुमको रोक रहा है वो तुम खुद हो। तुम्हारा प्रमोशन, तुम्हारा सक्सेस, जो कुछ लाइफ में तुम बनना चाहते हो, वो जो रोक रहा है वो तुम खुद हो, और उस पर कंट्रोल करना सीखो। दे डू वॉट इज ईजी, दे आर बिजी इन डूइंग ईजी, सो दे डू वॉट इज ईजी। अब जब भी हम कोई ईजी रास्ता इस्तेमाल करेंगे ना, तो हम ईज के साथ तो पहुंच जाएंगे पर वहाँ पे कोई कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि बहुत सारे लोग उस रास्ते से जा रहे हैं, तो वो लोग जहाँ पे पहुँचेंगे वहाँ पे ही तुम पहुँच सकते हो। मैक्सिमम पीपल आर फॉलोइंग द पाथ एंड वेयर दे विल रीच
there only you will reach. If you select a path which is full of hurdles and thorns, difficult path, then you will reach somewhat delayed, no doubt, but you will reach one day where nobody has reached. You got it? तो हमको जो difficult path है उसको choose करना चाहिए. Dare to walk alone, ये हमारे अंदर जब तक नहीं आता तब तक हम successful नहीं हो सकते. Dare to walk alone आना चाहिए. हमको सब पूरा हुजूम साथ में लगता है. जैसा कि एक मेंढा आगे चला गया, उसने एक जंप मारा, तो सभी मेंढे जंप मारते हैं. तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ भी वही होगा. जहाँ पे पहला मेंढा जाएगा वहाँ पे सब मेंढे जाएंगे, वहाँ पे ही हम जाएंगे. सो हम कहीं दूसरे इधर नहीं पहुँच सकते. दे रेजिस्ट चेंज. फेल्योर क्यों आता है? क्योंकि दे रेजिस्ट चेंज. हम लोग एक ब्लैंकेट ओढ़े हुए सोए हुए हैं गफलत में. वी आर स्लीपिंग इन द इग्नोरेंस. वी वॉन्ट कम्फर्ट. वी डोंट वॉन्ट टू लीव कम्फर्ट जोन. हम कम्फर्ट जोन को छोड़ना ही नहीं चाहते. जब तक हम कम्फर्ट जोन को नहीं छोड़ते तब तक हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला नहीं है. जब तक मुर्गी का चूज़ा अंडे से बाहर नहीं आता तब तक उसको दुनिया नहीं दिखती कि वो कितनी कलरफुल है. वैसे ही हमने एक अपना सर्कल बना लिया है, दैट इज़ सर्कल ऑफ लिमिट. वो सर्कल ऑफ लिमिट्स को जब तक हम क्रॉस नहीं करते तब तक हमको उस तरफ का कुछ नहीं दिखाई देगा. ओके, सो फेलियर ऑकर्स बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू लीव अवर कम्फर्ट. जब तक हम अपने आप को सेक्रीफाई नहीं करेंगे, अपना कम्फर्ट जोन नहीं छोड़ेंगे, कम्फर्ट को सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, तब तक हम सक्सेसफुल नहीं होंगे, फेल ही हो जाएंगे. और रीज़न है कि ईगो हमारा बीच में आता है कि ये मैं कैसे काम कर सकता हूँ. ये ईगो बहुत बार बीच में आता है और जिसकी वजह से फेल्योर होता है. वांट इंस्टेंट रिजल्ट, ये तो सबसे घिनौना काम है. वांट इंस्टेंट रिजल्ट यानी क्या चाहिए कि आज मैंने कुछ सीड बोया और कल को मेरे को उस पर फल आना चाहिए. ये सब लोग चाहते हैं. सबसे बड़ा कारण फेल्योर का यही है. इसको मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा सक्सेस में कि ये कौन सा कारण. मैं दो चार कॉजेज बता दूंगा ऐसे कि बहुत इंपॉर्टेंट है जो सक्सेस को रोकते हैं. तो इसको मैं बाद में डिस्क्राइब करूंगा. नो सेल्फ अवेयरनेस. मैं कौन हूँ, मेरे अंदर पोटेंशियल क्या है, मुझे क्या करना है, मेरा गोल क्या है, मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ, ये कुछ मालूम नहीं है हमको. जब तक हमारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं आता, इस पर भी हम कभी बात करेंगे नेक्स्ट टाइम. नो गोल, नो विजन, नो प्लानिंग. कुछ गोल नहीं. आज मुझे बोलो कि आपके पास क्या ऐसा गोल है कि जो आप करना ही चाहते हो, क्या ऐसा विजन है जो आप करना ही चाहते हो तो उसमें सक्सेसफुल हो जाओगे. नहीं. स्वामी विवेकानंद सेज व्हाट यू नो, यू टेक एन आइडिया, यू एक्ट अपॉन दैट आइडिया, लेट योर नर्व्स, योर सेल, योर बॉडी पार्ट्स, योर एवरीथिंग, योर टिश्यू शुड वर्क अपॉन दैट आइडिया. सच अ वे द लेजेंडरी हैज प्रोड्यूस्ड. इस तरीके से जब हम कुछ एक आइडिया लेते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं, पूरा तन मन धन लगा के पूरा उसके ऊपर काम करेंगे, तब ही कुछ हम हिस्ट्री बना सकते हैं. वरना ऐसे ही आइडल बैठ के और स्लो स्पीड से जाके कुछ हिस्ट्री नहीं बन सकती है. बिलीफ सिस्टम, ये सबसे बड़ा जो हमारे अंदर फेल्योर का रीज़न है वो बिलीफ सिस्टम है. कुछ बिलीफ्स हमने बना लिए हैं कि ये मैं नहीं कहीं कर सकता, ये मेरे अंदर पॉसिबल नहीं है, ये मेरे अंदर पोटेंशियल नहीं है, और ये वो दूसरा सामने वाला कर सकता है, ये कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास रिसोर्सेस भी नहीं है, मेरे पास अभी उतने आदमी भी नहीं हैं, और मैं जो चाह रहा हूँ वो मैं नहीं कर सकता. यही पहला है जो कुल्हाड़ी तुम मार रहे हो अपने पैर पे. और ये बिलीफ सिस्टम जो हमने पहले ही डिसाइड कर लिए हैं, वो बिलीफ सिस्टम को तोड़ना पड़ेगा. ये बिलीफ सिस्टम कैसे बनते हैं वो नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में मैं बताता हूँ. ये क्विट इजीली ऑन टेम्प्रेरी डिफीट, ये मैंने बता दिया पहले ही. और नो एटीट्यूड, नो नॉलेज, नो स्किल, नो प्लानिंग, ये भी मैंने बता चुका हूँ कि इसकी वजह से हमारे साथ फेलियर होता है.